हाय, आज के वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने मेंशन किए हैं टॉप 10 फ्री सर्टिफिकेशंस इन फाइनेंस। इसमें जो पहले 9 सर्टिफिकेशंस है, दे आर अराउंड इंटर्नशिप और लर्निंग मॉड्यूल्स। इंटर्नशिप मतलब आप एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करोगे, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लर्निंग मॉड्यूल्स मतलब आपको वीडियो लेक्चर्स या PPTs गो थ्रू करने पड़ेंगे, उसके बाद आप एक टेस्ट पास करके सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हो। वो सर्टिफिकेट आप लिंक्डइन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर अपने CV में मेंशन भी कर सकते हो। जो 10th सर्टिफिकेशन है वो एक स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेशन है, वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज 4H। 4H पे आप एक वर्चुअल इंटर्नशिप कंप्लीट करके एक MNC का नाम अपने CV पे ला सकते हो, अलॉन्ग विथ सम रियली अमेजिंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। अगर आपको 4H इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी MNC के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या वर्चुअल इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, यू हैव टू गो ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ। वंस रजिस्टर्ड, आप एक्सप्लोर पे जाके व्यू ऑल जॉब सिमुलेशंस पे क्लिक कर सकते हो। Once this is done, just scroll down और यहाँ से आपकी लिस्ट चालू हो जाती है for different projects। अब यहाँ पे given that a lot of viewers on this channel finance background से है या फिर CFA, CMA, ACCA, FRMA से courses pursue करते हैं, तो in that case अगर आपको accounting में, commerce में, banking में कुछ certification या virtual internship complete करनी हो, तो what you can do is आप career interest पे जा सकते हो, drop down दिख जाएगा, select banking and financial services। And after that, you will have list of companies. इसमें से जो भी कंपनी आप चाहते हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। Let's say I used to work in KPMG. तो मैं KPMG UK सिलेक्ट करता हूँ। Interestingly, मैं इंडिया थ्रू KPMG UK के लिए ही काम करता था। So यहाँ पे KPMG का एक इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी ये कोर्स अवेलेबल है। अगर किसी कंसल्टेंसी फर्म में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो आप इस मॉड्यूल में सीख सकते हो। यहाँ पे 5 to 6 hours लिखा है, तो आपको ये 5 से 6 घंटे का प्रोजेक्ट रहेगा। ऑफकोर्स आप ज्यादा टाइम भी ले सकते हो। ये प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद एक पीयर रिव्यू होता है, एंड वंस कंप्लीटेड यू गेट योर सर्टिफिकेट। अगर किसी और कंपनी का भी चेक करना हो, लेट्स से यू वॉन्ट टू गो फॉर अ टिपिकल बैंक, वी कैन टेक सिटी एज एन एग्जाम्पल। तो सिटी के कई सारे सर्टिफिकेशन है। आई कैन सी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई कैन सी अ जनरल सर्टिफिकेशन जो सिर्फ फाइनेंस बोल रहा है। आई कैन ऑल्सो सी पर्सनल बैंकिंग, ट्रेजरी एंड ट्रेड सोल्यूशन। सो अगर आपको थोड़ा ऑपरेशन साइड जाना हो तो ट्रेजरी एंड ट्रेड सोल्यूशन देख सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड जाना हो तो IB का भी एक सर्टिफिकेट है। फाइनेंस साइड जाना हो, जनरल रखना हो अपने प्रोफाइल को, तो आप सिटी का वर्चुअल सिमुलेशन कंप्लीट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड फ्री सर्टिफिकेशन, ये हमारे एक गवर्नमेंट पोर्टल पे अवेलेबल है, जहाँ पे IIM बैंगलोर, वन ऑफ द बेस्ट B स्कूल्स इन इंडिया, इन्होंने कुछ कोर्सेज होस्ट किए हैं। एंड बिलीव मी, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर करिकुलम, इट रियली साउंड अमेजिंग। ये कोर्स उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है जिनको लेट्स से कॉमर्स या मैनेजमेंट में अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी हो। इसकी मैंने एक डायरेक्ट लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस ये मॉड्यूल इमीजिएटली दिख जाएगा। बट लेट्स से इफ यू वांट टू स्क्रॉल फॉर मोर कोर्सेज, के यार आई एम बैंगलोर के और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है स्वयं पोर्टल पे, सो ऑल यू हैव टू डू इज कम ऑन स्वयं ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आने के बाद क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज, आपको लेफ्ट साइड काफी सारे फिल्टर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, नेशनल कोऑर्डिनेटर के अंडर आप IIM बैंगलोर को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड कैटेगरी के अंदर आप मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर IIM बैंगलोर के जितने भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज है फ्री में, वो आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अपकमिंग कोर्सेज है, यहाँ पे कुछ ऑन गोइंग कोर्सेज भी है। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस, जिस भी कोर्स के लिए एनरोल करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज गूगल का डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन। अभी ये काफी फेमस है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स इसे होस्ट करते हैं। अगर आपको इसकी अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड ग्रो विद गूगल। अगर आप ग्रो विद गूगल पे आओगे, आपको इनके सारे सर्टिफिकेशंस दिखाई देंगे। ये सर्टिफिकेशंस मेनली थोड़े टेक्नोलॉजी साइड आते हैं, बट डेटा एनालिटिक्स इज वन फील्ड जो अभी ओपन अप हो गई है। मीन्स आई हैव लिटरली सीन इवन कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू डेटा एनालिटिक्स और UI UX डिजाइनिंग। तो ये काफ़ी ओपन डोमेन हो गया है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको बैक एंड मिड ऑफिस में काम करना है, जहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स पे काम करना है, डेटा साइंस के तरफ जाना है, या किसी और रिसर्च रिपोर्ट्स पर भी काम करना हो, तो जहाँ पर भी बिग डेटा आएगा, आप डेटा एनालिटिक्स के टूल्स जरूर यूज करोगे, और उन्हें सीखने के लिए आप इनका ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। आप ग्रो विद गूगल के यही पर एनरोल कर सकते हो, या फिर कोर्सेरा एक अलग वेबसाइट है, वहां पर भी ये कोर्स डायरेक्टली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है।
once you enroll, you can start pursuing the course. Next, हम आएंगे money and management के ऊपर. यहाँ पर थोड़ा सा inclination towards personal finance है और corporate finance भी है. There is a portal called Open University जहाँ पे बहुत बड़े बड़े professors या फिर lecturers अपने courses host करते हैं. As per your own preference, आप किसी भी course के लिए enroll कर सकते हो और सीख सकते हो. एंड इफ़ यू हैव अ वंडर कि यार इतने ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गए या फिर कोर्सेरा EDX जैसे वेबसाइट्स हो गए, यहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ आके अपने कोर्स होस्ट कैसे करते हैं वो भी फ्री में. जस्ट हिडन इनसाइट और लेस नोन फैक्ट आई वुड से, बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट्स होते हैं या फिर बहुत सारे कंपनीज के CSR फंड्स होते हैं जो इन वेबसाइट्स को डोनेट किए जाते हैं. एंड बेस्ड ऑन दीज डोनेशंस ये प्लेटफॉर्म्स एजुकेशनल एक्सपेंशन पे काम करते हैं ताकि जहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत हो उन्हें वो मिल पाए. बट अगेन कमिंग टू ओपन यूनिवर्सिटी, जो मैंने लिंक दी है पूरा एक कैटलॉग है फ्री कोर्सेज का, आप चेक कर सकते हो एंड विच एवर यू प्रेफर आप उसे परस्यू कर सकते हो. वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस पोर्टल इज यहाँ पर सिर्फ मनी एंड मैनेजमेंट ही नहीं, उसके पर भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन से, चाहे वो कम्युनिकेशन के तरफ हो या फिर नॉन फाइनेंस, इवन टेक्निकल या फिर बिहेवियरल डोमेन के ऊपर भी. सो इट्स अप टू यू, विच एवर यू लाइक, फील फ्री टू परस्यू इट. अब आते हैं अगले सर्टिफिकेशन पे. ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सर्टिफिकेशन है लेकिन इसकी कंसिडरेबल वैल्यू भी है. वैल्यू इन द सेंस, अगर आपने सिर्फ BCom किया हुआ है या BBA किया हुआ है या फिर एनी अदर डिग्री फॉर दैट मैटर, इसके साथ अगर आप ये सर्टिफिकेशन ऐड करते हो तो आपकी फिनेंस डोमेन की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी इन इंडियन मार्केट बढ़ जाती है. दिस कोर्स इज होस्टेड बाय SEBI, जिसे आप NISM के प्लेटफॉर्म पे परस्यू कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. एंड येस, दिस कोर्स इज फॉर फ्री. If you have missed out, somewhere around June, मैंने Economic Times में पढ़ा था कि ये course अब free में offer हो रहा है. मैंने news का article भी दे दिया है. News article in detail cover करता है कि आप ये free course कैसे pursue कर सकते हो. But it's quite easy. आप अगर NISM के directly website पे जाओगे, जहाँ पे मैंने course mention किया है, वहाँ पे आप enroll करके immediately pursue करना start कर सकते हो. कमिंग टू नेक्स्ट सर्टिफिकेशन नाउ. अब यहाँ मैं थोड़ा डिटेलिंग बढ़ाते जा रहा हूँ और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि आप जितने ओपन और जनरल कोर्सेज करोगे उतने CV पे कीवर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर भी तो आने चाहिए. तो इसके लिए स्टार्ट विथ ईजियर सर्टिफिकेशंस, बट इवेंचुअली आप थोड़े डिफिकल्ट सर्टिफिकेशंस भी परस्यू करना. और इन सर्टिफिकेशंस का पीक पॉइंट होता है एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट. तो अगर आप CMA या फिर CFA जैसे सर्टिफिकेशंस परस्यू कर रहे हो, दोज आर टॉप नॉच. उसके साथ ये ऑप्शनल है. सो अगला कोर्स है कोर्सेरा, इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर देयर इज अ कोर्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स जो येल यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया है. येल इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड. ये थोड़ा लंबा कोर्स है, इट विल गो ऑन फॉर अराउंड 33 आवर्स. तो इट्स अप टू यू, 1-3 महीने तक आप इसे परस्यू कर सकते हो, बट 1 महीना इज आइडियल. आई थिंक 1 महीने में अगर आप 30-40 आवर्स निकाल पाते हो, वेल एंड गुड. सेकेंडली अगर हम कोर्सेरा की बात करें तो ऑफकोर्स दीज आर पेड सर्टिफिकेशन, लेकिन एक ऑडिट प्रोसेस होती है. अगर आप ऑडिट थ्रू एनरोल करते हो, मतलब इट्स टाइप ऑफ अ स्कॉलरशिप, अगर आप स्कॉलरशिप थ्रू एनरोल करते हो तो आपको एक 15 दिन का विंडो मिलता है. अगर आप आज अप्लाई करते हो, 15 दिन के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद आप ये कोर्स फ्री में परस्यू कर सकते हैं. अगर आपको जानना है कि कोर्सेरा पे स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैंने एक नया वीडियो रिलीज किया है ऑन माय अदर चैनल, दैट इज फिनस्टेड एजुकेशन. आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक भी मेंशन कर दी. नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एक्सेल. अभी मुझे पता है कि हमारे इंडियन मार्केट में आफ्टर एवरी 10 एड्स एक एड तो इंस्टाग्राम पे आ ही जाती है कि आई टीच यू एक्सेल, आई टीच यू फाइनेंशियल मॉडलिंग, आई टीच यू कॉस्ट मॉडलिंग, ये वो वगैरह. नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग, प्लीज डोंट स्पेंड ऑन लर्निंग समथिंग एज सिंपल एज एक्सेल. ठीक है, एक्सेल बहुत सिंपल चीज़ है एंड बेसिक ऑफ एक्सेल तो एक ऐसी चीज़ है जो एक स्कूल गोइंग किड भी सीख सकता है. तो उसके लिए डोंट स्पेंड मच. अगर आपको थोड़ा एडवांस सीखना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह सीख रहे हो और उसके लिए थोड़ा बहुत स्पेंड कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि दैट्स अ स्पेशलाइज्ड स्किल. अगर एक्सेल के बेसिक सीखने हैं तो देयर इज अ कोर्स होस्टेड बाय IBM ऑन कोर्सेरा. अगेन आप स्कॉलरशिप अप्लाई करके ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट अब आते हैं EDX पे. EDX इज ऑल्सो सिमिलर टू कोर्सेरा. यहाँ पर भी कुछ इंटरनेशनल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने कोर्सेज होस्ट करते हैं. सो EDX पे एक फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस कोर्स है. नाउ दिस इज ऑप्शनल टू फाइनेंशियल मार्केट्स. अगर आप येल यूनिवर्सिटी का कोर्स कर रहे हो तो इस वाले को ड्रॉप कर सकते हो. अगर आपको वो नहीं करना है तो आप EDX वाला कंसिडर कर सकते हो.
सेम थिंग विद ईडीएक्स, ईडीएक्स पर भी आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बट द थिंग इज ईडीएक्स आपको 100% स्कॉलरशिप नहीं देता है, वो 90-95 देता है. सो लेट्स कंसिडर अगर 90% स्कॉलरशिप मिल गई तो 10,000 का कोर्स 9,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको 1,000 रुपये खुद से पे करने पड़ेंगे. सो माई फर्स्ट इंक्लिनेशन वुडेंट बी ईडीएक्स, आई वुड से आप कोर्सेरा पहले एक्सप्लोर करो, बाकी के पोर्टल जो मैंने मेंशन किए वो एक्सप्लोर करो. अगर कुछ रह गया, कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो ईडीएक्स पर ही अवेलेबल है, तभी जाके आप वो 10% 5% फी पे करके परस्यू कर सकते. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट. ये बहुत ही एक कमोडिटाइज्ड सर्टिफिकेट है. जब मैं एमबीए कर रहा था, देयर वाज अ कल्चर ऑफ पर्स्यूइंग लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस, और उसके लिए हम फिर अलग अलग लिंक्डइन पोस्ट को चेक करते थे कि कौन से सोर्स से कोई फ्री सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या. तो CFI उस टाइम बहुत फेमस था फॉर फ्री सर्टिफिकेशंस, अभी भी है, लेकिन उतना क्रेज नहीं है शायद, या फिर मुझे अभी उतने पोस्ट दिखते नहीं है. एंड अगेन, अगर आप वो येल यूनिवर्सिटी या फिर ईडीएक्स पर जो कोर्स होस्टेड है वो परस्यू कर रहे हो, देन दिस बिकम्स ऑप्शनल. अगर आप बेसिक्स ऑफ फाइनेंस के ही बहुत सारे सर्टिफिकेशंस परस्यू कर रहे हो, देन दैट वोंट ऐड वैल्यू. आप 3-4 सर्टिफिकेशन शॉर्टलिस्ट करके उसमें से जो भी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ करिकुलम एक्सेप्टेंस या फिर ब्रांड ऑफ द कॉलेज दैट इज होस्टिंग द कोर्स, इन पैरामीटर्स में जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो परस्यू कर सकते हैं. तो फाइनली ये हो गए हमारे 9 फ्री सर्टिफिकेशंस जो आप परस्यू कर सकते हो इन फाइनेंस डोमेन. अब आते हैं 10th सर्टिफिकेशन पे, जो है एक स्पेशल सर्टिफिकेशन. ये है टुवर्ड्स कॉम्पिटिशंस, कॉर्पोरेट एज वेल एज कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशंस. देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड अनस्टॉप. अनस्टॉप पे आई थिंक इंडिया के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होस्ट होते हैं. ये स्टार्टअप इवन शार्क टैंक पर भी आया था. और यहाँ पर जो मेजर वैल्यू प्रपोजिशन है, स्पेशली फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फिर एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए, आप जब इस वेबसाइट पे आओगे, ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली क्लिक ऑन कम्पीट. और कम्पीट के अंदर आपको बहुत सारे केस स्टडी, कॉर्पोरेट केस स्टडी या फिर रिसर्च पेपर कॉम्पिटिशन दिखेंगे होस्टेड बाई कंपनीज एंड कॉलेजेस. अगर आपको इंटर कॉलेज कम्पीट करना है, नॉट नेसेसरी अगर आप जीत ही रहे हो, लेट्स से यू मेक इट टू द फाइनल राउंड अमंगस्ट यू नो 500,000 एप्लीकेंट्स और कंटेस्टेंट्स, इट इज समथिंग, आप उसे CV पे मेंशन कर सकते हो. सेकेंडली, अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में जीत जाते हो या फाइनलिस्ट बनते हो, देयर इज अ गुड चांस दैट कंपनी विल गिव यू PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर, या फिर PPI एटलीस्ट दे देते हैं, दैट इज प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू. कैंपस से जॉब मिले ना मिले, इनके साथ एक इंटरव्यू तो मिल जाता है. अगर इफ़ यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, वेल एंड गुड. तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है. टाटा क्रूसिबल कैंपस क्विज, ये यू नो काफी फेमस कॉम्पिटिशन है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है कर सकते हो. एक जमाने में ये TV पर भी आता था, बट एज एंड व्हेन यू स्क्रोल डाउन आप देख सकते हो यहाँ पे IIM विशाखापट्टनम, फिर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट, फिर श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, से बहुत सारे कॉलेजेस से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होस्ट हुए हैं. और जो मैं बता रहा था कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स के बारे में, ABN Bev, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज फॉर बेवरेजेस इन इंडिया, इन्होंने भी 100+ चैलेंज 2024 होस्ट किया है. यू कैन पार्टिसिपेट, लुक्स लाइक अ केस स्टडी कॉम्पिटिशन. इसके बाद कॉर्पोरेट में आपको MG Algo Services से भी एक कॉम्पिटिशन दिख रही है, मैरिको से भी एक कॉम्पिटिशन दिख रही है. So, you know, these are great competitions. You should definitely give it a try. And again, I'm saying, not necessary you win or lose. जो experience रहेगा case study का, वो बाद में आपको interview के लिए काफी help करेगा. So, with this, we come at the end of our list. लेकिन एक friendly note बताऊंगा. मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हुआ और वहाँ पे स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं यूजुअली कि सर, आप सर्टिफिकेशन सिर्फ हमें बताओ, बाकियों को मत बताओ, ताकि सिर्फ हमारी प्रोफाइल बेहतर हो, बाकियों की ना हो. आई अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, ठीक है, दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर, बट बिलीव मी, ये इन्फॉर्मेशन ना काफ़ी ओपनली अवेलेबल है. प्रॉब्लम इज नॉट द इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन. आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, और शायद उनको प्रायोरिटीज़ समझ में नहीं आती, या फिर कुछ और प्रायोरिटीज़ है, उसके वजह से दे आर नॉट एबल टू परस्यू इट, कम्प्लीट इट और मैच दैट मार्क. सो कम्पीटिंग एट दिस लेवल इज नॉट हेल्दी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. मैं हमेशा अपने MBA बैचमेट्स को सब चीज़ों के बारे में बताता, एंड एंड ऑफ द डे आई स्टिल न्यू कि दे वोंट बी एबल टू बीट मी, क्योंकि जिस लेवल पे हार्डवर्क मैं कर रहा था वो उतना नहीं कर रहे थे. सो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. बट यही एक फ्रेंडली नोट बताऊंगा कि बिलीव इन कोलैबोरेशन एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बाकी चीज़ें विल ऑल इन इट्स प्लेस. सो विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एज यूजुअल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.